अगर मैं हड़ताल कर दूं तो क्या? तो क्या अभी निकाल देंगे साले लोग मेरे को? लेकिन कुछ लोग हैं जब देखो हड़ताल पे चले जाते हैं, जैसे कि आज ऑटो की हड़ताल थी। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि इन लोगों ने ऑटो बंद कर दिए हैं। अब जाकर कोई इन ऑटो वालों से पूछे कि महंगाई के ऑटो में बैठकर आती है? आजकल किसी भी मुद्दे पर हड़ताल हो जाती है, और कई बार तो हड़ताल करने वालों को मुद्दे से कोई लेना देना भी नहीं होता। कुछ भी पंगा हो बस हड़ताल पे चले जाओ और ऐसा बड़ा बड़ा लिख दो बंद। वैसे अपने देश में बाकी सब कुछ बंद हो जाता है, लेकिन हमारी आबादी बढ़नी कभी बंद नहीं होती। अब ऐसे सालों उसके लिए भी साल में 5-7 दिन का बंद रखा करो यार। और मैं तो कहता हूं कि अगर सब घरों में सुख शांति चाहिए तो ये डेली सोप बंद कर दो। नहीं नहीं, अब मेरा वाला डेली सोप नहीं, सीरियल्स वाला, ताकि सब लोगों को सिर्फ मेरा शो देखने का मौका मिले। और सासों और बहुओं को एक दूसरे को तंग करने के नए नए आइडियाज ना मिले। भाई यार सुरेंद्र, क्या आइडिया यार अपने शो की TRP बढ़ाने का? तो भाई और बहन के टको, मेरे साथ नारा लगाओ, हमारी मांगे पूरी करो, बाकी चैनल बंद करो। क्या मैं बकवास कर रहा हूं? क्या तेरा मतलब क्या कहने का? मतलब अगर बाकी चैनल बंद हो गए, डेली शो बंद हो गए, तो हमारे यहां सेलिब्रिटीज कहां से आएंगे? ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। सुरेंद्र, तूने इतनी इंटेलिजेंट बात करके ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है। डॉक्टर, डॉक्टर, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप? कैसे हैं? मैं बहुत ठीक नहीं हूँ डॉक्टर। बीमार हो? एक सेकंड, क्या हुआ, क्या तुम्हें? मेरा ना दिमाग खराब हो गया है। जोर जोर से खांसो जरा। साले तू तो कह रहा दिमाग खराब, तुझे तो खांसी लगी हुई है। अरे ढंग से चेक करो ना यार। हाँ ये यहाँ नाड़ी होती है। हाँ, डॉक्टर कुछ पता चला? साले इतना बड़ा शो चलाता, 100 रुपए का डीओ नहीं ले सकता? अब बता हुआ क्या है? अबे बताए ना डॉक्टर, मेरा दिमाग खराब हो गया है। तो बिना टैलेंट के इतना बड़ा शो मिलेगा? दिमाग तो किसी का भी खराब हो सकता है। देखो डॉक्टर, मेरे साथ मजाक मत करो। साले तू भी नहीं मजाक करता, मैं भी ना करूं, पैसे मजाक के मिलते, करता क्यों नहीं मजाक? अरे सब लोग मेरे साथ मजाक करते हैं बहन की। पहले प्रोड्यूसर ने मेरे साथ मजाक किया, कहने लगा इस शो का तू होस्ट है, यहाँ सब लोगों को चाय पानी पिलाता हूँ मैं, अब पता चला कैसा होस्ट हूँ मैं। यार मेरे को बात बताए, तेरे शो में होता क्या इधर? अरे डॉक्टर साहब ये कॉमेडी शो है यार। कॉमेडी शो है तो बताया करो ना लोगों को, कॉमेडी शो है या नीचे पट्टी चला दिया करो, लोगों को पता तो चले। मुझे तो लगा योगा का शो हो रहा है ये। ज्यादा बोला ना मैं मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा तुम्हें पता मैं डॉक्टर नहीं इंस्पेक्टर हूँ। मैं फिर मुंह नहीं तोड़ता, मैं कुछ और ही तोड़ता हूँ फिर। अबे यार आप डॉक्टर से इंस्पेक्टर कैसे बन गए? इंस्पेक्टर तो मैं पहले से हूँ, ये पूछ डॉक्टर कैसे बन गया? कैसे बन गए? बस यार ये हड़ताल वालों ने बड़ा तंग किया है। तुम्हें तो पता आजकल जो कोई देखो मुंह उठा के हड़ताल कर देता है। और जिधर भी हड़ताल होती ड्यूटी हम पुलिस वालों की लग जाती है। आज मेरी हॉस्पिटल में ड्यूटी लगा दी उन्होंने, अजीब अजीब से मरीज आ रहे हैं। सुबह सुबह मेरे पास अदनान साहब ही आ गया। अच्छा। मुझे बोलता है मेरे को गैस है, मेरे को गैस की दवाई दो। मैंने कहा देख मेरे घर का सिलेंडर खत्म हुआ है, मेरा सिलेंडर भर दे, तेरे दवाई नहीं खानी पड़ेगी, मेरा 550 बच जाएगा। अच्छा। तू पता कल मैंने 4 ऑपरेशन किए। ओहो, ऑपरेशन करने में बहुत दिक्कत आई होगी ना आपको? कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने 4 ऑपरेशन किए और भगवान की दया से 4 ऑपरेशन बड़े सक्सेसफुल रहे। चलो शुक्र। बंदे पता नहीं साले 4 क्यों मर गए। मेरे को तो यार बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ, मैं करूं तो करूं क्या? परसों ऑटो वाले की हड़ताल थी। अच्छा। ऑटो चलाना पड़ा मुझे 2 दिन। 2 दिन इतनी टेंशन ऑटो चलाने में। ओए होए, लोग कहते हैं ऑटो में लड़कियां बैठती हैं। मेरे तो साले ऐसे अजीब अजीब कस्टमर आए मेरे ऑटो में, 2 लड़का लड़की आके बैठ गए। मुझे बोलते हैं देरी से बैंड्रा जाना, मैं बैंड्रा चला गया। वहां से मैंने कहा आ गया बैंड्रा उतरो, बोलते वापस अंधेरी लो। क्यों? मैंने कहा कर क्या रहे हो? बोले कर कुछ नहीं रहे, जो करना था कर लिया, वापस चलो उधर। मैं करूँ क्या यार? मैंने फिर सब्जी की रेडी लगा ली। फिर आवाज तो ऐसे लगाई होंगी, ए कद्दू ले लो, टमाटर ले लो, ये ले लो, कद्दू ले लो, टमाटर ले लो। ऐसे नहीं बेचते हम लोग, पुलिस वाले हैं।
पुलिस का फायदा बड़ा तुम्हें पता है, मैंने सीधे सीधे ये वर्दी पहनी, रेडी लगा ली मैंने और साफ साफ अनाउंसमेंट कर दी। मैंने कहा ओए जिसको जो कुछ लेना अपने आप आके ले जाओ, नहीं तो देने के हमें और भी तरीके आते। और जिसको नींबू चाहिए था वो भी साला कद्दू लेके गया। वाह वाह भैया वाह, वह भैया वह वह, मैं पुलिस वाला हूँ शायर नहीं, वह 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 सालों टेस्ट करने के लिए बुलाते हैं, यहाँ से कॉमेडी करवा रहे मेरे से। निकलता हूँ यार मैं, कल पायलटों ने हड़ताल कर रखी, मुझे जहाज भी उड़ाना जाके। एक मिनट सर, मैं हूँ टॉली एयर होस्ट से, झाड़ उड़ाना है ना सर, मेरे को अपने साथ ले चलो ना, मुझे काम बजाना है। तेरे को ले जाऊं, तू गंदी गंदी हरते करे, जहाज में खंबे में ठोक दूं, चले। तो ये भाई साहब तो चले गए ड्यूटी बजाने, लेकिन अब जो आने वाली है वो लोगों की बजाती है। ये जब भी मुंह खोलती है मुंह से आग ही उगलती है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए विदाई की साक्षी यानी सुलगना पानी ग्रही। इसका नाम ही सुलगना, पता नहीं यहाँ आके कितनी आग लगाएगी। जोरदार तालियां। क्या बात है सुलगना जी, पहले तो आप खुद आग उगलती थी, अब आपने आग उगलवाने के लिए दो दो आदमी रखे हुए हैं। हाँ वो क्या है ना, मेरी ससुराल में एंट्री हुई है, बहुत सारी आग उगलनी पड़ती है ना, इसलिए। ओहो लगता है शो वालों ने आपका प्रमोशन कर दिया है, आप मुझे अचानक से बहुत अच्छी लगने लगी है। देखिए अच्छी तो मैं हूँ, मैं तो बहुत भोली हूँ, इनफैक्ट मैं तो इस बड़े से शहर में अकेले कहीं बाहर भी नहीं निकलती, जमाना बहुत खराब है ना। अरे आप फिक्र मत करिए, मैं हूँ ना जी। मेरा मतलब हमने आपके लिए एक ऐसा इंतजाम किया, एक ऐसे आदमी का जिसको मिलने पे आपको कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या बात करें, सच मिलवाइए ना। उसके लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। हाँ वहां जाइए जाइए। फाइट मारूंगा ना, ऐसी फाइट मारूंगा, ऐसी सू लगेगी तुझे जिंदगी भर, सू लगना करता रहेगा। लड़की को छेड़ा मेरे शो पर आकर? नहीं सुलगना तुम मेरे घर चलो। चलो चलो ए, ए। क्या है शो चल रहा है? अच्छा अब वहां जाइए, बाहर मेरा इंतजार करिए, फिर हम चलते हैं। तू क्या देख रहा है, खुश हो रहा है बड़ा? अब वो मेरे घर जाना चाहती है। तू फिकर मत कर, तुझे मैं राजीव निगम के साथ भेज दूंगा। दोस्तों वैम्स क्या क्या नहीं करती हैं, जहर खिलाती हैं, एक्सीडेंट करवाती हैं, डराती हैं, लेकिन बाकी के डेली सोप्स में हमारा तो कॉमेडी का डेली सोप है ना, तो जाहिर है हम उनसे कुछ हटकर ही करवाएंगे। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रोशनी चोपड़ा का। वाओ वाओ। अरे 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 ये क्या हो रहा है, क्या परफॉर्मेंस दिया, क्या डंडा हिलाया तुम लोगों ने, वाओ माय गॉड। ए हाय दीदी। दीदी 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 के लिए जोरदार तालियां। आप लोग दीदी को जानते हो ना, ये देसी गर्ल और मैं वैसी गर्ल। वाओ। ए दीदी हाँ। अब हम दोनों बहनें मिलके अपना काम करें। काम क्या? हाँ। काम अरे डांस बार में जाने के लिए। डांस बार? नो थैंक यू, और वैसे भी अगर मैं वहां गई तो तुम्हें कौन देखेगा? माय गॉड, मेरे को मालूम है दीदी वहां क्यों नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि दीदी बहुत खूबसूरत है। हाँ। इसलिए वो सबको डराने के लिए आहट में जा रही है। सही कहा तुमने, तुम्हारी तरह लोगों को हंसा नहीं सकती ना, इसलिए वहां डराने जा रही हूँ आहट में। चलो देखो दीदी कहीं भी जाए, लेकिन शर्मा जी For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.